हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश सांगवान आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक है द गंगा रिवर सिस्टम, या यूं कह सकते हैं द गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर का जो शुरुआती नाम है उसको भागीरथी बोलते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भागीरथ नाम के किसी राजा ने तपस्या की थी और गंगा को आसमान से उतारा था, तो यहां से इसका नाम भागीरथी स्टार्ट होता है और लास्ट में जाते जाते वेस्ट बंगाल के एरिया में इसका नाम हुगली हो जाता है और बांग्लादेश में जब ये समुद्र में मिलती है तो इसको मेघना नाम से जाना जाता है। गंगा रिवर बेसिन का जो एरिया है, जितने एरिया को ये कवरअप करती है, वो लगभग 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर, या एग्जैक्ट कहें तो 10.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया का जो बेसिन है वो गंगा रिवर का बेसिन है। गंगा रिवर में हिमालय से आकर रिवर मिलती हैं और पेनिनसुला से आकर भी रिवर इसके अंदर मिलती हैं, और इस एरिया के अंदर लोअर एरिया, यानी कि हम यूं कह सकते हैं बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इस एरिया के अंदर इसके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम है पानी का। इस वजह से इन एरियाज में ये रिवर हर साल फ्लड लेकर आती है। इस रिवर को डिटेल में देखते हैं मैप के ऊपर। ये गंगोत्री है, गंगोत्री से रिवर गंगा की स्टार्टिंग होती है। गंगोत्री से निकलने वाली जो धारा होती है इसका नाम भागीरथी है, और भागीरथी में रिवर अलकनंदा जो कि एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, यहाँ देवप्रयाग में मिलती है। दोनों रिवर मिलने के बाद आगे बढ़ती हैं और यहाँ पर एक लोकेशन आती है हरिद्वार। हरिद्वार के अंदर ये रिवर गंगा माउंटेनियस एरिया को छोड़कर प्लेन एरिया के अंदर एंट्री करती है। गंगा रिवर के अंदर हिमालय से आने वाले रिवर्स और पेनिनसुलर इंडिया से आने वाले रिवर्स, दोनों रिवर्स अपना पानी डालती हैं। गंगा रिवर की जो पहली जो ट्रिब्यूटरी है उसका नाम अलकनंदा है, और गंगा रिवर की जो आखिरी ट्रिब्यूटरी है उसको महानंदा नाम से जाना जाता है। अगर हम हिमालय की बात करें कौन कौन सी रिवर इसके अंदर आकर मिलती है, तो यहां मैंने G1, G2, G3, G4 लिखा है। G1 गंगा, G2 रिवर गोमती, गोमती के किनारे पर लखनऊ शहर है, इसके बाद घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। याद करने का क्या तरीका है, ये गोमती घाघरा, गोमती घाघरा और गंडक में के आता है, के इधर वाला कोसी, उसके बाद रिवर महानंदा। अब हम पेनिनसुलर रिवर देखते हैं कौन कौन सी है। आपने यहाँ या तो सेंट्रल हाईलैंड वर्ड यूज करना है या पेनिनसुलर रिवर यूज करना है। आप डेक्कन प्लेटू ये वाला एरिया है इसका नाम यूज नहीं करेंगे, तो पेनिनसुलर या हाईलैंड से आने, सेंट्रल हाईलैंड से आने वाली कौन कौन सी रिवर है, ये रिवर चंबल, ये रिवर सिंध, ये रिवर बेतवा, ये रिवर के। ये चारों रिवर पहले रिवर यमुना में मिलती है और उसके बाद यमुना रिवर गंगा में इलाहाबाद में मिलती है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रिवर है, वो है सोन, जो कि गंडक और घाघरा के बीच में गंगा रिवर से मिलती है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो इस एरिया में काफी ग्रीनरी है, बहुत फर्टाइल एरिया है। इस एरिया को भारत की ग्रीनरी कहा जाता है। रिवर घाघरा, ये रिवर गंडक और ये रिवर कोसी, बारिश के दिनों में इन रिवर से जब पानी आता है, ये तीनों रिवर्स इस एरिया के अंदर भयंकर फ्लड लेके आती हैं, भयंकर तबाही मचाती हैं, और साथ ही साथ इस एरिया में नया एल्यूवियम लाकर इस एरिया को बहुत ज्यादा फर्टाइल करती हैं। गंगा रिवर में इतने ज्यादा सेडिमेंट्स होते हैं, अगर ये सभी सेडिमेंट्स अगर भारत के रास्ते से, कोलकाता वाले एरिया से, वेस्ट बंगाल वाले एरिया से अगर यहां आती हैं, तो इस एरिया के अंदर ये फ्लड ला सकती हैं, और ये जो सेडिमेंट्स का इतना ज्यादा जमाव हो जाएगा कि यहां पर सारा सिस्टम, इकोनॉमी इस एरिया की, वेस्ट बंगाल की इस एरिया की डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके लिए यहां पर एक बांध बनाया गया है जिसको फरक्का बैराज बोलते हैं। इस फरक्का बैराज से जो गंगा रिवर की जो मेन जो स्ट्रीम मुख्य धारा, ज्यादा पानी बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है और गंगा का बहुत कम पानी यहां से, इस एरिया से, कोलकाता से होता हुआ
यहां समुन्द्र में बे ऑफ बेंगोल में आता है। जब ये रिवर बांग्लादेश में एंट्री करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, इसी तरह रिवर गंगा को बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। जब पद्मा और जमुना जब दोनों मिलती हैं, इनके मिलन के बाद गंगा रिवर का नाम फिर चेंज हो जाता है और लास्ट में इस एरिया में गंगा रिवर को रिवर मेघना बोलते हैं। यानी कि जो रिवर भागीरथी नाम से स्टार्ट हुई, बीच में इसका हुगली नाम आता है, फिर इसका पद्मा नाम हो जाता है, फिर लास्ट में इसका नाम मेघना हो जाता है। अगर यहाँ फरक्का बैराज नहीं होता, यानी कि हमने इस बांध को न बनाया होता, तो इस एरिया के अंदर सिल्ट और सेडिमेंट्स का इतना ज्यादा जमावड़ा हो जाता और हर साल कोलकाता एरिया में भयंकर बाढ़ आती, इससे यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती। ये गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम दोनों मिलकर यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है और सबसे फास्ट ग्रोइंग डेल्टा भी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो डेल्टा है सुंदरबन, इसकी शुरुआत फरक्का बैराज से हो जाती है। यानी कि सुंदरबन डेल्टा का जो नॉर्दर्न मोस्ट टिप है, पॉइंट है, वो फरक्का बैराज है। यानी कि फरक्का बैराज के जस्ट बाद सुंदरबन डेल्टा की शुरुआत हो जाती है। सुंदरबन डेल्टा का नाम यहाँ पर पाए जाने वाला एक पेड़ है जिसका नाम सुंदरी है, इसके नाम पर इस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। सुंदरी पेड़ एक मार्शी लैंड में यानी कि दलदल वाले एरिया में ग्रो करने वाला एक ट्री है। जो अभी हमने मैप में देखा, इसी को रिटर्न फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा का जो शुरुआती नाम है वो भागीरथी है। ये गंगोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। इसकी लेंथ 2500 किलोमीटर है। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी इसकी अलकनंदा है जो उत्तराखंड में इसमें राइट साइड से आकर मिलती है और देवप्रयाग नाम की जगह पर ये मिलती है। हरिद्वार में क्या होता है, हरिद्वार में ये रिवर उत्तराखंड में पड़ता है हरिद्वार। हरिद्वार में ये रिवर माउंटेन्स को छोड़कर प्लेन एरिया में एंट्री कर देती है। नेक्स्ट है ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालय। हिमालय से आने वाली कौन कौन सी रिवर है जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और लास्ट जो ट्रिब्यूटरी है हिमालय से आने वाली उसका नाम महानंदा है। नेक्स्ट देखते हैं नेपाल रिवर्स। तीन रिवर्स को नेपाल रिवर्स कहा गया है। वैसे तो और भी छोटी छोटी कई रिवर्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन मेन जो है वो तीन है। कौन कौन सी, घाघरा, गंडक और कोसी। ये तीनों रिवर बारिश के दिनों में नेपाल से बहुत ज्यादा पानी लेकर आती है और नीचे वाले एरिया जो इंडिया में है यहाँ पर फ्लड होती है, हर साल फ्लड लेकर आती है और साथ ही नया एल्यूवियम भी लेकर आती है जिससे ये एरिया काफी रिच हो जाता है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज, यानी कि इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है यहाँ से कौन कौन सी रिवर्स आती है, रिवर चंबल, रिवर सिंध, रिवर बेतवा, रिवर केन, रिवर सोन। और यहाँ पर एमपी देख रहे हैं, एमपी का मतलब प्लेटू ऑफ मालवा या मालवा प्लेटू। ये जो एरिया है ये बुंदेलखंड है, ये बघेलखंड है, ये छोटा नागपुर प्लेटू, यानी के जो डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड के बीच में एक वाटर डिवाइड का काम करती है। यानी कि इसके ऊपर वाली जो रिवर है गंगा रिवर का सिस्टम है और जो नीचे वाले रिवर है वो डेक्कन प्लेटू रिवर का सिस्टम है। नेक्स्ट देखते हैं फरक्का बैराज। यहाँ पर एक डैम बनाया गया है और इस डैम के बाद क्या होता है, यहाँ पर इंडिया के अंदर जो गंगा रिवर का जो पानी है वो बहुत कम आता है। ज्यादा पानी या मेन स्ट्रीम बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट कर दी जाती है ताकि इस नीचे वाले एरिया में जो सेडिमेंट्स का जमावड़ा ना हो, जो कोलकाता पोर्ट है इसके अंदर सिल्ट और सेडिमेंट ना पहुंच जाए, अदरवाइज ये पोर्ट खत्म हो जाएगा। और जो मेन रिवर जो इधर बांग्लादेश में जाती है उसको बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र रिवर जो बांग्लादेश में जिसको जमुना बोलते हैं, दोनों मिलने के बाद गंगा रिवर को मेघना नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं द कोर्स ऑफ रिवर गंगा इज डाइवर्टेड फ्रॉम हेयर, यानी कि फरक्का बैराज से डाइवर्ट हो जाता है। द मेन स्ट्रीम फ्लोज इन बांग्लादेश वेयर इट इज ज्वाइंड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र।
उसके बाद सुंदरबन डेल्टा, ये मासी एरिया है, यहाँ पर सुंदरी नाम का एक जो ट्री है, मासी लैंड का ट्री है। इस ट्री की खास बात है, इसके अंदर जो फलियां आती हैं, जो सीड्स होते हैं, वो सीड्स ट्री के ऊपर ही जर्मिनेट कर जाते हैं, यानी फली के अंदर ही एक नया पौधा डेवलप हो जाता है। जैसे हवा चलती है वो प्लांट ही जमीन के अंदर आएगा, ना कि सीड आता है। वो ऐसा इसलिए है, अगर सीड आएगा तो सीड जर्मिनेट हो सकता ना करे, लेकिन प्लांट जर्मिनेट कर देता है। नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट, तो नेचर को पता है इस एरिया में ग्रो करने के लिए हमें सैपलिंग चाहिए, ना कि सीड। अब नेक्स्ट देखते हैं अंबाला। अंबाला क्या है, ये वाटर डिवाइड है, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स में जो हाईएस्ट जो पॉइंट है, दैट इज अंबाला। अंबाला शहर इंडस रिवर सिस्टम को और गंगा रिवर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इट इज द वाटर डिवाइड ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि इंडस रिवर सिस्टम एंड द गंगा रिवर सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं लेंथ ऑफ द गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स की लेंथ कितनी है, अंबाला से लेकर यहाँ सुंदरबन डेल्टा के लास्ट तक ये 1800 किलोमीटर है। और इसमें हाइट देखें, यानी कि इसको सी लेवल मान लें, और अंबाला की हाइट लगभग 300 मीटर अबाव द सी लेवल है, यानी कि 1800 किलोमीटर चलने के बाद ये रिवर जो हाइट में कमी आती है, इट इज 300 मीटर, यानी कि हर 6 किलोमीटर पर इस रिवर का जो स्लोप ग्रेडियंट है, यानी कि जो ढाल है, इट इज 1 मीटर पर 6 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्लोप। 300 मीटर का जो स्लोप का डिफरेंस है, 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, देयर फॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मेंडर्स। इसी रिवर काफी मेंडर्स बनाती है, क्योंकि यहाँ ढाल प्रवणता यानी स्लोप ग्रेडियंट काफी कम है। नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ गंगा रिवर बेसिन। गंगा रिवर बेसिन का जो एरिया है, ये 10.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, या लगभग हम यूं कह सकते हैं गंगा रिवर बेसिन 11 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो में कोशिश की गई है हर चीज को डिटेल में बताने की। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।